बॉलीवुड अदाकारा राकेश सावंत दे उत्ते हुण गिरफ्तारी दे बदल मंडराउंदे होए नजर आ रहे ने। किसी भी समय राकेश सावंत की गिरफ्तारी हो सकती है, अजिहा दावा हुण राकेश सावंत दे एक्स पति आदिल दुरानी भी करते हुए नजर आ रहे ने। सो तुहानू दस दईए कि मामला आदिल दुरानी की एक अश्लील वीडियो वायरल करन दा। उत्थे दूजे पासे गल करिए राकेश सावंत दी, तां राकेश सावंत दे वल्लों जो पटीशन दायर की गई सी, जमानत दी पटीशन सी, इसनूं भी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों रद्द कर दिता गया। तां दूजे पासे राकेश सावंत की इस पटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों के अंदर अंदर हेठली अदालत दे विच राकेश सावंत आत्मसमर्पण करने लिए किया है। सो बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राकेश सावंत कितने ना कितने हुण चर्चा दे विच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राकेश सावंत को वड्डा झटका दिता है। अदालत ने अगाऊ जमानत की मंग वाली उसकी पटीशन को रद्द कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने राकेश सावंत को चार हफ्तों के अंदर अंदर हेठली अदालत दे विच आत्मसमर्पण करने लिए भी कह दिता है। सो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले तो बाद राकेश सावंत के साबका पति आदिल दुरानी को यकीन है कि जल्द ही राकेश सावंत सलाखा पिछे होगी। सो राकेश सावंत के एक्स पति आदिल दुरानी का कथित अश्लील वीडियो लीक करने का मामला लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है। हुण सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद आदिल ने पहली बार इस बारे गल की है। आदिल दुरानी ने कहा है कि दुबई तो भारत परतते ही राखी की गिरफ्तारी तय है। हालांकि राखी की गिरफ्तारी की वाकई होगी ये भी देखना पड़ेगा, पर फिलहाल आदिल ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित लीक वीडियो मामले के विच संभावित गिरफ्तारी तो बचण के लिए राकेश सावंत की अगाऊ जमानत की मंग नूं रद्द कर दिता है। आदिल दुरानी ने यह भी कहा है कि चार हफ्ते के अंदर अंदर राकेश सावंत नूं हेठली अदालत के विच आत्मसमर्पण करने लिए कहा गया है। जेकर राकेश सावंत आत्मसमर्पण नहीं करती तो कोई भी वड्डा एक्शन भी राकेश सावंत उत्ते लिया जा सकता है। पर हुण आदिल भी यह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि राखी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। जिवें दुबई तो भारत राकेश सावंत परतेगी तो उस तो बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अजिहा फिलहाल आदिल दुरानी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। सो लगातार दोवों का यह विवाद तूर फड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल राकेश सावंत के मामले लैके तुम अपने की विचार देना चाहते हो, अपने विचार कमेंट बॉक्स राय जरूर साझे करना। बॉलीवुड अदाकारा राकेश सावंत के उत्ते हुण गिरफ्तारी के बदल मंडराउंदे होए नजर आ रहे हैं। किसी भी समय राकेश सावंत की गिरफ्तारी हो सकती है, अजिहा दावा हुण राकेश सावंत के एक्स पति आदिल दुरानी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सो तुहानू दस दईए कि मामला आदिल दुरानी की एक अश्लील वीडियो वायरल करन दा। उत्थे दूजे पासे गल करिए राकेश सावंत की, तो राकेश सावंत के वल्लों जो पटीशन दायर की गई सी, जमानत की पटीशन सी, इसनूं भी सुप्रीम कोर्ट के वल्लों रद्द कर दिता गया है। तो दूजे पासे राकेश सावंत की इस पटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों के अंदर अंदर हेठली अदालत के विच राकेश सावंत को आत्मसमर्पण करने लिए किया है। सो बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राकेश सावंत कितने ना कितने हुण चर्चा के विच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राकेश सावंत को वड्डा झटका दिता है। अदालत ने अगाऊ जमानत की मंग वाली उसकी पटीशन को रद्द कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने राकेश सावंत को चार हफ्तों के अंदर अंदर हेठली अदालत के विच आत्मसमर्पण करने लिए भी कह दिता है। सो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले तो बाद राकेश सावंत के साबका पति आदिल दुरानी को यकीन है कि जल्द ही राकेश सावंत सलाखा पिछे होगी। सो राकेश सावंत के एक्स पति आदिल दुरानी का कथित अश्लील वीडियो लीक करने का मामला लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है। हुण सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद आदिल ने पहली बार इस बारे गल की है। आदिल दुरानी ने कहा है कि दुबई तो भारत परतते ही राखी की गिरफ्तारी तय है। हालांकि राखी की गिरफ्तारी की वाकई होगी ये भी देखना पड़ेगा, पर फिलहाल आदिल ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित लीक वीडियो मामले के विच संभावित गिरफ्तारी तो बचण के लिए राकेश सावंत की अगाऊ जमानत की मंग नूं रद्द कर दिता है। आदिल दुरानी ने यह भी कहा है कि चार हफ्ते के अंदर अंदर राकेश सावंत को हेठली अदालत के विच आत्मसमर्पण करने लिए कहा गया है। जेकर राकेश सावंत आत्मसमर्पण नहीं करती तो कोई भी वड्डा एक्शन भी राकेश सावंत उत्ते लिया जा सकता है। पर हुण आदिल भी यह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि राखी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। जिवें दुबई तो भारत राकेश सावंत परतेगी तो उस तो बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अजिहा फिलहाल आदिल दुरानी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। सो लगातार दोवों का यह विवाद तूर फड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल राकेश सावंत के मामले लैके तुम अपने की विचार देना चाहते हो, अपने विचार कमेंट बॉक्स राय जरूर साझे करना।